हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसे ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस का स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने उसे कुछ पॉइंट्स बताए जो कि उसे काफी हेल्पफुल लगे। तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं आपसे ये पॉइंट शेयर करूँ, जिससे आपको भी हेल्प मिल सके और आप भी अपना ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में हर कोई घर में रहना प्रेफर कर रहा है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, लोग ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन बिजनेस का सोच रहे हो तो, क्योंकि यही टाइम पीरियड है अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी का स्टार्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ग्रोसरी एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर किसी को चाहिए ही चाहिए। लोगों को सब्जियां तो रोज चाहिए, लोगों को फ्रूट्स रोज चाहिए। तो प्लीज अगर ये बेस्ट टाइम है, आप अभी से स्टार्ट कर दो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपको ये बिजनेस एटलीस्ट दो लोगों से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको एक इंसान चाहिए होगा जो कि आपकी होम डिलीवरी करा सके। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका विजन अलग है, आप हर चीज खुद नहीं कर सकते हो। आपको मार्केटिंग पे, आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे, इन सब चीजों पे ध्यान दे रहा होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये बिजनेस दो लोगों से स्टार्ट करो। कुछ दिनों पहले मैंने बिजनेस आइडियाज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी को भी मेंशन किया था, बट उसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। बट आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस एरिया में अपना ये सर्विस प्रोवाइड करना है। लाइक बहुत सारे लोग सिटीज को टारगेट करते हैं, सिटी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपका इनिशियल डेज में बजट कम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप अपनी लोकेलिटी में, अपने रीजन में ही सिर्फ ये सर्विस प्रोवाइड करो। क्योंकि अगर आप ये काम करते हो, अपनी लोकेलिटी, अपने रीजन में ही, अपनी कॉलोनी में ही ये सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो लोगों को धीरे धीरे आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है और आप आसानी से स्केल कर पाओगे इस बिजनेस को। वरना ये होगा कि आप स्टार्टिंग में बहुत सारे पैसे मार्केटिंग में वेस्ट कर दोगे अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको मार्केटिंग नहीं करनी स्टार्टिंग में, तो आप ये काम कर सकते हो, अपनी लोकेलिटी, अपनी रीजन में ही ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंड, आपको ये करना है कि आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जिसमें आप अपनी ये सारी इन्वेंट्री मैनेज कर सको। उसके लिए आप Shopify पे जा सकते हो, Shopify पे अपना स्टोर बना सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है मार्केटिंग करना है, या फिर आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती है बिजनेस में, तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप मेरी वेबसाइट जो कि है provokly.com पे जाकर एक फ्रीलांसर हायर कर सकते हो, और आपको बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट मिल जाती है बहुत ही बजट प्राइस में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ये वेबसाइट चेकआउट करो और वहां पर जाकर फ्रीलांसर्स को हायर करो और अपने लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट तैयार करो। अब नेक्स्ट, आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अगर आपका घर किसी विलेज के पास है, तो आप विलेज में जाकर ही किसी फार्मर से टाइप कर सकते हो, वहां से अपनी ग्रोसरी आइटम परचेज कर सकते हो। या तो फिर अगर आप सिटीज में रहते हो, तो आप सिटी में जाकर किसी लोकल वेंडर से टाइप कर सकते हो और वहां से अपनी ग्रोसरी आइटम को ला सकते हो। इससे क्या हो कि अगर आप लोकल लोगों से टाइप करते हो, तो आपको डेली बहुत सा काम नहीं करना पड़ेगा। आप लोकल वेंडर से जाकर जो भी आपकी ग्रोसरी आइटम है, वो आप परचेज कर पाओगे आराम से। अब नेक्स्ट है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए आप किसी इंसान को रख सकते हो अपनी होम डिलीवरी कराने के लिए। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आजकल के टाइम में आपको हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपकी जो भी सैनिटाइजेशन वगैरह, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, तभी लोग आपसे चीजें खरीदना पसंद करेंगे। वरना अगर आपकी सब्जियां अनहाइजीनिक है, आपकी ग्रोसरी आइटम जो भी है वो अनहाइजीनिक है, तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे आपसे खरीदना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेकर चलना है, तो प्लीज आप इन सारी चीजों का ध्यान रखो। आजकल लोगों में हाइजीन को लेकर बहुत अवेयरनेस है, तो प्लीज आप अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रहो और हाइजीनिक चीजें ही डिस्ट्रीब्यूट करो। अब नेक्स्ट पार्ट है मार्केटिंग, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो मार्केटिंग के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि आप अगर सिटीज को टारगेट कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग चूज कर सकते हो, आप SEO भी करा सकते हो अपनी वेबसाइट का। बट अगर आप अपनी लोकेलिटी, अपनी कॉलोनी में ही सिर्फ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपनी लोकेलिटी में ही चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो फिर लोगों में अवेयरनेस ऑलरेडी जनरेट हो जाएगी आपको लेकर कि आपने ये काम स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा कि लोग आपसे चीजें खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि हर किसी को ग्रोसरी आइटम तो चाहिए ही चाहिए, हर किसी को सब्जियां, फ्रूट वगैरह तो चाहिए, इसलिए लोग आपसे खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस लेके चलना है, तो प्लीज अपने काम को लेके ऑनेस्ट रहो। और हाँ, आपकी वेबसाइट जो भी हो वो मोबाइल फ्रेंडली जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो मे बी लोग आपसे खरीद ना पाए। क्योंकि अगर कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप से चीजें नहीं ऑर्डर करता है, हर कोई मोबाइल प्रेफर करता है, तो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, बस ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।